नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन एक बार फिर से एक नई प्रॉपर्टी नए प्रोजेक्ट में लेके आ चुका हूँ नोएडा के अंदर। अगर आप लोग विलास देख रहे हैं, सिंप्लेक्स विला का कॉन्सेप्ट लेके आए हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आप लोगों में से कई भाइयों के कॉल आते थे मुझे, जो कहते थे कि सचिन भाई थोड़ा से लो बजट में, थोड़े से हमारे बजट में लेके आओ, जो 25-26-27 लाख में विलास की स्टार्टिंग हो सके। तो आज की वीडियो में बिल्कुल वैसी प्रोजेक्ट लेके आए हूँ, वैसी प्रॉपर्टी लेके आए हूँ, और लोकेशन कोई अंदर नहीं रहने वाली है। एक मूर्ति गोल चक्के के नियर में रहने वाला ये विलास का कॉन्सेप्ट अपना। अगर जगह की बात करूँ तो ये जलालपुर के अंदर अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। एक मूर्ति गोल चक्कर से मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पे बैंक लोन वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। रोड वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों ये आपको इस समय तो 19 फीट की रोड है, बट ये पास हो रखी है 30 फीट की, बिकॉज ये आपका स्कूल आ रहा है, यहाँ पे अपकमिंग स्कूल रहने वाला है, और इधर आपको क्रिकेट स्टेडियम मिल जा रहा है। अपने सोसाइटी की बात करूं तो ये आप लोगों का किसी कुंज नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो इसके अंदर विलास अभी हम दे रहे हैं 58 विलास का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। 60 गज से स्टार्टिंग हो जाती है, प्लस ये आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है, जेन्युइन प्रोजेक्ट रहने वाला है। मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट लेके आते रहता हूं। जो इनर साइड रोड है आपको मिलने वाली है, वो आपको मिलनी है 20 फीट और 22 फीट की। प्लस सबसे अच्छी फैसिलिटीज क्या है रहती है, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हम लेके आते रहते हैं उनके अंदर आपको रनिंग सीवरेज मिलता है। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि सीवरेज वगैरह कनेक्शन आपको बाद में करके देने वाले, यहाँ पे जो रनिंग सीवरेज होता है वो मिलने वाला है, जो कि आपके रोजा जलालपुर वाला वो मेन रोड देख पा रहे हो, 40 फीटा रोड है सामने वाला, और सामने की तरफ पूरी कॉमर्शियल मार्केट है। आप लोगों की जो चीज़ें चाहिए आपको सब कुछ वहीं पर ही मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रेजिडेंशियल के बेस पर देख रहे हो, तो बिल्कुल सेफ प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है लोएस्ट प्राइस के अंदर। और चलिए मैं दिखाता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर एक 90 गज का विला दिखाने वाला हूं, जो कि रहेगा आप लोगों के लिए, और प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैं इसके अंदर बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। स्कूल कॉलेज सब कुछ आपको नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको ही पता रेट बढ़ रहा है और सारी फैसिलिटीज मिलती है। बाकी जो फैसिलिटीज है डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं डाल दे रहा हूँ। भसावत प्रॉपर है, रोजा जलालपुर के अंदर प्रॉपर्टी रहने वाली है, सस्ती प्रोजेक्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए और सेफ प्रोजेक्ट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये विला रहने वाला है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के अंडर है, और ये एक लाइन से पूरे पूरे आपके 90 गज के विलास बन रहे हैं। और अगर फ्रंट साइड की रोड की मैं बात करूं तो आपको 20 फीट की रोड बना के देने वाले हैं। पूरी रोड वगैरह यहाँ पे डल चुकी है, जल्दी से जल्दी इस पे काम होने लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ये न्यूली प्रोजेक्ट है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें बहुत सारे यूनिट बचे हुए हैं। और आप लोगों के लिए अगर प्लॉट भी चाहिए तो प्लॉट भी मिल जाएगा, कॉर्नर का चाहिए तो कॉर्नर के भी ऑप्शन अपने पास बचे हुए हैं। फैसिलिटीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये सीवरेज वगैरह कनेक्शन प्रॉपरली आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ये देख सकते हैं मेन रोड के साथ कनेक्शन है, रनिंग सीवरेज आपका रहने वाला है, कोई ब्लॉकेज सीवरेज नहीं है। चलिए मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। देखो प्रॉपर तो अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इस साइड पे अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करिए, पर इन फ्यूचर में मैं इसके और भी अपडेट लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस सोसाइटी की अपडेट जानने के लिए। सोसाइटी का जो नाम रहेगा राधे कुंज नाम से रहने वाला है। आज ये अंदर की तरफ आते हैं हम। जैसे आप लोग अंदर आते हो अपने रूम में, ये 90 गज का विला है, मैंने आपको बताया था, और इस 90 गज के विला के अंदर ये आप लोगों का ड्राइंग सेक्शन एरिया प्लस डाइनिंग स्पेस मिलने वाला है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, जो 90 गज के जो हमारे डिज़ाइन है सभी के ऑलमोस्ट सेम ही ऐसे डिज़ाइन रहने वाला है, ये वाला जो रो है अपना 90 गज का ही है। और अगर डाइनिंग सेक्शन एरिया की बात करूँ, सबसे पहले विथ में बताऊँ तो आप लोगों को 10 की यहाँ पे विथ मिल जाती है और 22 फीट की आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाती है। यहाँ तक आपका ड्राइंग सेक्शन एरिया होगा, यहाँ पे आप सोफा सेट होगा, सब कुछ लगाओ, टीवी पैनल वगैरह आपका इस साइड लग जाएगा, स्विच वगैरह बोर्ड वगैरह हम प्रॉपर लगा के आपको देने ही वाले हैं। इधर रहेगा आपका डाइनिंग सेक्शन एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला है, काफी खूबसूरत सा और काफी बिग साइज स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और 5 मेंबर्स आराम से फैमिली के यहाँ पे बैठ के सिटिंग होके खाना खा सकते हैं। इस साइड आपका वेंटिलेशन के लिए सापट दे रखा है हमने। और इधर रहेगा आपका पार्किंग सेक्शन एरिया, जहाँ पे आप अपनी फोर व्हीलर की पार्किंग करोगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आराम से एक हैचबैक की कार की पार्किंग हो जाएगी। सामने की तरफ आप देख पा रहे हो जो कि समरसेबल हमने करा के दिया हुआ है, जितने विलास होते हैं सब में समरसेबल करा के देते हैं, ग्रिलिंग्स वगैरह प्रॉपर काम रहेगी। इधर स्टेयर्स पे आपके एसएस की रेलिंग वगैरह का काम हम प्रॉपर करके देने वाले हैं, ठीक है। और एंट्री की अगर मैं बात करूँ, 2 एंट्रियाँ मिल जाती हैं। फ्रंट साइड की एंट्री आपकी ये रहेगी घर की, जो कि मेन गेट की रहने वाली है, और इस साइड से आपको एक बिग गेट मिल जाता है जो कि आपके कार की पार्किंग है, प्लस आप अपनी एंट्री भी कर सकते हो। इस साइड आ जाओगे तो ये आप लोगों का रहेगा किचन सेक्शन एरिया, काफ़ी बड़े साइज में हमने किचन दिया है। साइज की बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे 8x8 में किचन का एरिया मिल जाता है, एल टाइप का किचन बना के देने वाले हैं। मॉडुलर किचन आप लोगों का ये रहने वाला है, इसके अंदर हम सारी चीजें आपका सेटअप करके देने वाले हैं, मतलब वुडन वर्क आपका रहने वाला है, प्लस आपके टैप्स वगैरह सब कुछ ए टू जेड लगा के देने वाले हैं। वेंटिलेशन की बात की जाए तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से आपकी कुकिंग का जो सफोकेशन होता है, कुकिंग का धुआं होता है, वो सब बाहर आउटसाइड में जाएगा। प्लस अगर आप लोग यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों प्लॉट का प्राइस बहुत ही कम रहने वाला है, मात्र 28,000 रुपए गज में आप प्लॉट मिलने वाले हैं। और अगर आपको कॉर्नर के भी प्लॉट चाहिए तो वो भी अवेलेबल। अंदर की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके दोनों रूम, क्योंकि 90 गज के अंदर 2 BHK
प्लस वन डाइनिंग रूम सेट के साथ ये हमने डिजाइन किया हुआ है। अंदर जाओगे इस साइड आपका रहेगा कॉमन वॉशरूम, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस भी हमने काफी अच्छा दिया हुआ है, और गेस्ट वगैरह या आउटर साइड पर्सन के लिए कोई आते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट रहने वाला है, आपको अपने मेन रूम में लेके जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपका हो जाता है मेन रूम की एंट्री आ जाएगी, ये आपका फर्स्ट रूम रहने वाला है दोस्तों। रूम साइज की अगर मैं बात करूँ तो 10x12 का ये आप लोगों का फर्स्ट रूम का साइज रहने वाला है। एक किंग साइज बेड आराम से लगे, अलमीरा आराम से सेट हो जाएगी, तो स्पेस बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर आएंगे तो ये आप लोगों का वॉशरूम जो रहेगा दोनों रूम के साथ कनेक्ट रहेगा, अटैच रहेगा, और ये अगेन आपके वेंटिलेशन के लिए ओपन सापट हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आपकी वॉशरूम में स्पेस देखोगे तो वॉशरूम के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। टाइल्स वगैरह प्रॉपर हम करके दे रहे हैं, इसके अंदर वेस्टर्न शीट हम लगा के देंगे, या आप इंडियन चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा। प्लस एक ऑप्शन और रहता है हमारे पास, अगर आप कस्टमाइज करवा के लेना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग बनवा के लेना चाहते हो, तो वो भी हम ऑप्शन रखते हैं। जो कस्टमाइजेशन रहेगी वो इनर साइड से रहेगी। इधर आओगे तो ये आप लोगों का रहेगा सेकंड रूम, 10x12 का स्पेस आपको इसके अंदर भी मिल जाता है, काफी अच्छा खासा स्पेस आपको सेकेंडरी रूम के अंदर भी मिल रहा है। सो अगर आपको इस टाइप का विला चाहिए, अगर छोटे साइज चाहिए तो कम से कम 60 गज से अपने पास स्टार्टिंग हो जाती है। 60 गज का जो विला का प्राइस रहेगा, पर गज जो प्राइस मिलता है आपको 45,000 रुपए गज का रहेगा, 60 गज का विला आप लोगों को 27 लाख में मिलेगा। अगर ये 90 गज का जो विला मैंने आपको दिखाया ये पसंद आया, इसकी प्राइसिंग पड़ेगी आपको 40,50,000 रुपए की मात्र दोस्तों। अब इसके अंदर बैंक लोन भी अवेलेबल है आपका, 80 से 90% तक का बैंक लोन हो जाएगा, आप 10-20% यहाँ पे दे सकते हैं। आप बाकी डिटेल्स के लिए कॉल कर लेना जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी कॉल करिए और जल्दी जल्दी विजिट करिए, रोजा जलालपुर में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।